हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ममता की रसोई में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आज हम बनाने जा रहे हैं आपके लिए सूजी का हलवा। तो चलिए बनाते हैं। फिर मैंने इसमें बड़े चम्मच से 4 टेबल स्पून देसी घी डाला हुआ है, जो कि मेल्ट हो चुका है, पिघल चुका है। अब हम डालेंगे इसमें सूजी। तो सूजी हमने 1 कटोरी सूजी ली है इसी कटोरी से, और सूजी मोटी वाली सूजी रहती है तो हलवा ज़्यादा अच्छा होता है। तो हमने 1 कटोरी सूजी ली है। अब गैस को स्लो करेंगे और सूजी को धीरे धीरे भूनेंगे, जब तक इसमें अच्छा ब्राउन कलर ना आ जाए तब तक हम सूजी को भूनते रहेंगे। तो देखिए, हम सूजी को भून रहे हैं। सूजी भूनने में टाइम लगेगा क्योंकि गैस कम करके भूननी है, तो हम सूजी को भून लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सूजी को चलाते हुए 4 मिनट हो चुके हैं। अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा, अभी सूजी पूरी तरह से ब्राउन नहीं हुई है, तो थोड़ी देर सूजी को और भुनेंगे और बराबर इसे चलाते रहेंगे, नहीं तो सूजी जल जाएगी। देखिए, हमारी सूजी हो चुकी है और अच्छा ब्राउन कलर आ गया है इसमें। और अब हम डाल देंगे, ये हमने ड्राई फ्रूट्स लिया है, बादाम काट के और किशमिश ले रखा है, तो ये हम डाल देंगे। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, तो इसमें से हम डाल देंगे। और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स हम बचा लेंगे ऊपर से गार्निशिंग के लिए। तो देखिए, हमने ये डाल दिया, थोड़ा सा इन्हें भून लेंगे। फिर इसके बाद ये जिस कटोरी से मैंने सूजी डाली थी, इसी कटोरी से मैं 2 कटोरी पानी डाल दूंगी। मैंने इसी से सूजी डाली थी और इसी कटोरी से मैं 2 कटोरी इसमें पानी डाल दूंगी। अब इसको मिला लेंगे। ये हमने चीनी ली है, और इस जिस कटोरी से हमने 1 कटोरी सूजी ली थी, उसी से हमने चीनी ली है। चीनी हमने थोड़ा कम लिया है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से मीठा थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये हम चीनी डाल देंगे और इसको अच्छे से मिला लेंगे। गैस को हम स्लो ही रखेंगे, हाई नहीं करेंगे, हलवे को होने देंगे, इसको चलाते रहेंगे। ये बहुत ही खाने में टेस्टी और जल्दी बनने वाली रेसिपी है, तो इसको ज़रूर ट्राई करें अपने घर में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है उनको बहुत बहुत थैंक यू। तो देखिए, 7 मिनट के करीब हमने सूजी को भूना था। अब हमारा हलवा बनके तैयार है, अब हम इसमें डाल देंगे। ये 3 कुटी हुई इलायची हमने ली है, वो इलायची पाउडर डाल देंगे इसमें। अब हलवे को हम सर्व कर लेंगे, निकाल लेंगे हलवे को कटोरे में। तो चलिए, हलवे को निकाल लेते हैं। गैस को हमने बंद कर दिया और हलवे को निकाल लेते हैं। देखिए, हमारा हलवा बनके तैयार है। अब हलवे में हम ऊपर से डालेंगे 2 चम्मच के करीब घी डालेंगे, क्योंकि हलवे में ऊपर से तैरता हुआ घी बहुत अच्छा लगता है, तो हम घी डालेंगे इसमें। और हमने जो ड्राई फ्रूट्स बचा के रखे थे उसको भी हम रख देंगे ऊपर से, गार्निश कर देंगे। देखिए, हलवा बन गया है, और आप इसको बना के ट्राई करिए और प्यारे प्यारे कमेंट लिख के मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। और हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। बाय बाय दोस्तों।